नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर, जाकिर नाइक के वीडियो देखता था मुर्तजा, एटीएस ने घर से एक शख्स को हिरासत में लिया। जी हां दोस्तों, गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले को लेकर आतंकी कनेक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच में यूपी एटीएस को हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ और उसके लैपटॉप से जो सुराग हाथ लगे हैं उनसे साफ है कि हमलावर बेहद खतरनाक मंसूबों के साथ आतंक की राह पर चल पड़ा था। एटीएस ने मंगलवार शाम मुर्तजा अहमद अब्बासी के घर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। संदिग्ध की शिनाख्त पर हमलावर मुर्तजा के कमरे को खंगाला गया। एटीएस की टीम के साथ फोरेंसिक की टीमें ने भी करीब एक घंटे तक कमरे की छानबीन की। दरअसल दोस्तों, रविवार यानी कि 3 अप्रैल की शाम गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद अहमद मुर्तजा अब्बासी ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे। अब्बासी से एटीएस और एटीएफ की टीमें लगातार पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में साफ हो गया था कि मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाला अब्बासी जिहादी मानसिकता का हो गया था। उसके लैपटॉप को खंगालने के बाद जांच एजेंसियों को पता चला कि वह बीते 1.5 साल से जाकिर नाइक के वीडियो देख रहा था। इसके साथ ही इस्लाम के कट्टरपंथ की सीख देने वाले मौलानाओं के वीडियो भी यूट्यूब से डाउनलोड कर देखता था। हाल ही में 1,94,000 में खरीदे गए मैकबुक को लेकर भी अब्बासी ने यही जवाब दिया कि मोबाइल पर वीडियो और आवाज साफ नहीं आती थी, जिसके लिए उसने महंगा लैपटॉप खरीदा था। गिरफ्तार किए गए अहमद मुर्तजा अब्बासी के पास से नेपाल की मुद्रा भी मिली है। यूपी एटीएस अब हमलावर के नेपाल कनेक्शन पर भी निगाहें गड़ाए हुए है। महाराजगंज से उसके 2 मददगार हिरासत में लिए जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई भूमि घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, संजय रावत के परिवार की 11 करोड़ रुपए की संपत्ति हुई कुर्क। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निदेशालय ने मुंबई भूमि घोटाले में बड़ी कार्यवाही करते हुए शिवसेना नेता संजय रावत के परिवार की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। इसमें अलीबाग और दादर में बने संजय रावत की पत्नी के फ्लैट भी शामिल है। दोस्तों ईडी ने यह कार्यवाही पात्रा चाल भूमि घोटाले से जुड़े मामले में की। मुंबई में हुए इस भूमि घोटाले में करीब 1,034 करोड़ रुपए के घोलमेल का आरोप है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान का दावा निकला झूठा, खुफिया एजेंसियों को नहीं मिला विदेशी साजिश का कोई सबूत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को अस्थिर करने के लिए विदेशी साजिश का उनका दावा सही है। हालात से वाकिफ एक सूत्र ने मंगलवार को रॉयटर्स को यह जानकारी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि नागरिक अधिकारों, सैन्य और खुफिया प्रमुखों से बने एक उच्च निकाय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने सरकार के खिलाफ एक योजना की पुष्टि की थी। इस तरह के मामलों से अवगत कराए गए अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इमरान खान के समान निष्कर्ष पर नहीं पहुंची थी और उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराया था। पिछले हफ्ते इमरान खान ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया और उन्हें एकजुट विपक्ष से अविश्वास मत का सामना करना पड़ रहा था, जिसे रविवार को हारने का अनुमान था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने संसद को भंग कर दिया और चुनाव की घोषणा कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 7 राज्यों को मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, 5 दिनों तक चलेगी हीट वेव। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया कि आगामी 5 दिनों तक देश के कम से कम 7 राज्यों में हीट वेव का खतरा रहेगा। जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार तापमान बढ़ने की जानकारी दी है। मौसम विभाग के ट्वीट में कहा गया है कि तेज तापमान के कारण लू पट चलेगी, ऐसे में लोग दोपहर की तेज धूप में जाने से बचें। मौसम विभाग ने बताया कि मेघालय में मंगलवार को तेज बारिश होने के आसार हैं, कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्व भारत के मेघालय और उसके आसपास के इलाकों में मौसम खुशगवार बना रहेगा। यहां अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होगी। इसके अलावा 5 से 8 अप्रैल के बीच पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तेज बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि नेशनल कैपिटल रीजन में भी हीट वेव बनी रहेगी और इसके प्रकोप से दिल्ली और उससे सटे इलाकों में पारा 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। आने वाले बुधवार और अन्य दिनों में भी पारा 40 या इससे ऊपर जा सकता है। गुजरात, राजस्थान में भी तापमान बढ़ रहा है, यहां पारा 40 डिग्री को पार कर गया है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, और महंगा हो गया पेट्रोल। पेट्रोल डीजल 15 दिन में 9 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। माल भाड़ा 16% बढ़ने की आशंका, बिगड़ जाएगा बजट। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी से लेकर आम आदमी तक सभी प्रभावित हो रहे हैं। जिस रफ्तार से ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं उसका सीधा असर बाजार पर हो रहा है। दोस्तों पिछले 15 दिनों में ही पेट्रोल और डीजल 9 रुपए 16 पैसे महंगे हो गए हैं। बाजार मामलों से जुड़े जानकार और व्यापारी कहते हैं कि इसका सीधा असर माल भाड़े पर पड़ेगा और इसमें 16% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भोपाल के अध्यक्ष जसवीर सिंह कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा 16% तक बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने 3 बैंकों पर ठोका मोटा जुर्माना, इनमें से किसी में आपका अकाउंट तो नहीं, जल्दी जान लें। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 3 को ऑपरेटिव बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण जुर्माना लगाया है। आरबीआई की तरफ से इन तीनों बैंकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इनमें 2 बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं और 1 पश्चिम बंगाल का है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने मार्च में भी 8 बैंकों पर नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया था। दोस्तों आरबीआई ने इसके लिए एक बयान जारी कर कहा कि फल्टन स्थित यशवंत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय संपत्ति वर्गीकरण प्रावधान और अन्य मुद्दों पर उनके निर्देशों का पालन नहीं करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। मुंबई स्थित कोकण मर्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर भी 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह कोलकाता स्थित समता कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन के संघाई में कोरोना से हाहाकार, सेना ने संभाली कमान, दूसरे शहरों से भेजे गए 15,000 स्वास्थ्य कर्मी। जी हां दोस्तों, संघाई में कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रहे चीन ने देश भर से 10,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को अपने सबसे बड़े शहर रवाना कर दिया है। इसमें 2,000 से अधिक सैन्य चिकित्सा कर्मी भी शामिल है। संघाई में 2 चरण वाले लॉकडाउन के सोमवार को दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के बीच शहर के 2.5 करोड़ बंदिशों की सामूहिक कोविड-19 जांच जारी है। दोस्तों कर्मचारियों को पृथक रखकर भले ही कई कारखाने और वित्त कंपनियां अपना कामकाज जारी रखने में सफल रही है, लेकिन लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से चीन की आर्थिक राजधानी एवं प्रमुख नौवहन व वीक निर्माण केंद्र पर पड़ने वाले संभावित वित्तीय प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुस्लिम कर्मियों को शॉर्ट लीव देने के फैसले पर बुरे फंसे केजरीवाल, अब लिया यह फैसला। जी हाँ दोस्तों, रमजान में अपने मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की स्पेशल छुट्टी देने का फैसला दिल्ली जल बोर्ड के लिए गले की हड्डी बन गया है। चौतरफा आलोचनाओं के बाद बोर्ड ने 1 दिन बाद ही इसे वापस लेने का ऐलान कर दिया। दरअसल दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड के असिस्टेंट कमिश्नर वीरेंद्र सिंह ने मंगलवार को सर्कुलर जारी कर कहा कि वह रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 2 घंटे की शॉर्ट लीव देने के अपने फैसले को वापस लेते हैं। ऐसे में बोर्ड में काम कर रहे मुस्लिम कर्मचारियों को बाकी स्टाफ की तरह रूटीन में सारे काम निपटाने होंगे और दोपहर की नमाज के लिए उन्हें अलग से छुट्टी नहीं मिलेगी। इससे पहले दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड ने 4 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर कहा था कि बोर्ड के DDO यानी कि कंट्रोल ऑफिसर अपने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना 2 घंटे की शॉर्ट लीव दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क की ट्विटर में एंट्री, ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे टेस्ला के फाउंडर, क्लास सेकंड डायरेक्टर के रूप में 2024 तक काम करेंगे। जी हां दोस्तों, टेस्ला और SpaceX के फाउंडर एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। ट्विटर में मस्क की 9% हिस्सेदारी की बात सामने आने के 1 दिन बाद मंगलवार को ट्विटर ने इसकी जानकारी दी। मस्क क्लास सेकंड डायरेक्टर के रूप में 2024 की स्टॉक होल्डर्स की एनुअल मीटिंग तक बने रहेंगे। इस खबर के बाद ट्विटर के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एलन मस्क को अपने बोर्ड में अपॉइंट कर रहे हैं। हाल के हफ्तों में एलन के साथ हमारी बातचीत से यह स्पष्ट है कि वह हमारे बोर्ड के लिए काफी वैल्यू लाएंगे। इनकी हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाने के लिए बोर्ड रूम में काफी जरूरत है। आपका स्वागत है एलन। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, बैंक ने सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरें घटाई। जी हाँ दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों को जोरदार झटका लगा है। बैंक ने बचत खातों पर दिए जाने वाले ब्याज दर में एक बार फिर कटौती कर दी है। बैंक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 10 लाख रुपए से कम बैलेंस वाले बैंक खातों के लिए ब्याज दरों को घटाकर 2.70% सालाना कर दिया गया है। वहीं 10 लाख रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच वाले खाताधारकों के लिए ब्याज दर को घटाकर 2.75% प्रतिवर्ष कर दिया है। दोस्तों ये नई दरें 4 अप्रैल 2022 से लागू हो गई हैं। पीएनबी
ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह बदलाव घरेलू और NRI दोनों तरह के खाताधारकों पर लागू होगा। इस फैसले के बाद 10 लाख रुपए के सीमा के अंदर वाले ग्राहकों पर सीधा असर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रूस की मदद पर भारत को अमेरिका की चेतावनी, मॉस्को से तेल व अन्य सामानों का आयात बढ़ाना आपके हित में नहीं। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिम देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए और वहां से होने वाले कच्चे तेल व अन्य सामानों के आयात व निर्यात पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत रूस से कच्चा तेल और अन्य कमोडिटी आयात कर रहा है। इस मुद्दे पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा कि रूस से ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी या वृद्धि करना भारत के हित में नहीं है। साथ ही अमेरिका ने भारत से मास्को पर अपनी निर्भरता को कम करने और मदद के लिए US के साथ काम करने की पेशकश की। पिछले हफ्ते शीर्ष भारतीय अमेरिकी सलाहकार दिलीप सिंह की नई दिल्ली यात्रा के संबंध में ब्यौरा देते हुए व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के बारे में समझाया और दोहराया कि किसी भी देश या संस्था को इसका पालन करना चाहिए। भारत दौरे के दौरान उन्होंने भारतीय अधिकारियों से कहा कि रूस से ऊर्जा या अन्य वस्तुओं का आयात बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। वहीं साकी ने कहा कि भारत रूस से ऊर्जा का जो आयात कर रहा है वह उसकी कुल ऊर्जा के आयात का केवल 1-2% ही है।